शादी हो रही है आपकी बेटी की, काश आप भी यहां हम सबके साथ मौजूद होती, मुझे मेरे शादी के जोड़े में देख सकती। मां आपको पता है पापा ने मुझसे बगैर पूछे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी, लेकिन मेरे कान आपकी आवाज सुनने को तरसते। ऐसे लगता आप अभी ही कहीं से आएंगी और मुझसे पूछेंगी कि मेरी बेटी को कुछ और चाहिए, और मैं रोते हुए आपसे लिपट जाऊंगी और कहूंगी आप बस हमें छोड़कर मत जाएं। आज अपनी बदनसीबी पर रोना आ रहा है मुझे, खुश नसीब होते हैं ना वो बच्चे माँ जिनकी खुशी गम में उनके माँ बाप दोनों उनके साथ होते हैं। बाबा और घर वालों की इतनी तैयारियों के बावजूद भी मेरी खुशी अधूरी है। आप ही बताएं आपकी दुआओं के बगैर आपकी बेटी कैसे रुखसत हो सकती है। ठीक कह रही हो तुम, कोई भी हस्ती मां की कमी को पूरा कर ही नहीं सकती। ये खुशियां होती ही ऐसी जहां अपने प्यारों की याद दिलाती हैं, दिल को खुश करती हैं, दिल में खुशी पैदा करती हैं, वहां बहुत उदास करती। मरने के बाद भी मां बाप की दुआएं हमेशा हमेशा अपनी औलाद के साथ रहती। आलिया बहुत प्यार करती थी तुम दोनों से, बड़े अरमान थे उसके दिल में तुम दोनों की शादी को लेकर। अक्सर बातें किया करती थी मुझसे, राशिद ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, अब सारी जिम्मेदारियां सारी खुशियां मेरी झोली में डालकर चली गई। एक सेट बनवाया था तुम दोनों के लिए उसने, कहती थी कि मेरी बेटियों को दे देना। मैंने कहा सिर्फ एक सेट दूंगा, तो कहने लगी कि हाँ ये सेट, कहना कि मेरी तरफ से है, बराबर बांट देना।
वो सेट को तोड़वा कर मैंने तुम दोनों के लिए झुमके बनवाए हैं। थैंक्स मामा। इस बैग में गुड़िया की शादी का जोड़ा और जेवर मैंने रख दिए। तुम और पिंकी मिलकर इसे पार्लर छोड़ाओ, राशिद भाई के साथ चली जाऊंगी। आंटी मैं सोची था कि मैं गुड़िया को सैलून ले जाऊं और पिंकी मेहमानों को देख लेगी तो आसानी हो जाएगी। हाँ ये तो ठीक रहेगा, लेकिन तुम ध्यान से जाना। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अच्छा गुड़िया को बुलाएं ना, मुझे भी वहीं से तैयार होना। गुड़िया गुड़िया हसन और गुड़िया की हम मंगनी करने जा रहे हैं। गुड़िया नहीं आई पार्लर से तैयार होकर, न जाने कहाँ रह गई। बारात भी आ चुकी है, पार्लर वालियों का भी ना कोई हाल नहीं, इतनी देर लगा देते। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? गुड़िया आ गई, उसको जाके रिसीव कर। Thank you.
ये सिद्रा कहाँ रह गई? गुड़िया के साथ क्यों नहीं आई? पार्लर में है, तैयार हो रही थी, बाल बनवा रही थी, आ जाएगी। हद करती है वो, फंक्शन शुरू हो गया है, निकाह की तैयारी हो रही है, जाके उसे फोन करो, जल्दी बुला। अच्छा ठीक है, मैं फोन करती हूँ। सिद्रा फोन क्यों नहीं उठा रही? कौन सी तैयारियां हैं जो खत्म नहीं हो रही? तंग कर रखा है इस लड़की ने। लारे क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? सिद्रा अभी तक नहीं आई, पार्लर में थी, इतनी देर हो गई है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ जाएगी थोड़ी देर में। देखो हसन, मौलवी साहब भी आ गए, चलो और स्टेज पे चलते। अच्छी लग रही। मुझे एक कॉल है, मैं अभी आता हूँ। बेटा मुझे सब निकाह करा, ये बहुत जरूरी कॉल, मैं आता हूँ। हसान प्लीज मुझे बचा लो, हसान लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया, हसान मुझे मार डालेंगे ये लोग। हसान जल्दी से आ जाओ, प्लीज जल्दी से आ जाओ। सारा कहाँ हो तुम? कौन लोग हैं ये बताओ मुझे। लोकेशन भेज रहा हूँ तुम्हें, फौरन पहुंचो अगर सिद्रा को जिंदा देखना चाहते हो। हेलो हेलो, मुझे एक इमरजेंसी है और मेरा जाना बहुत जरूरी है, जल्दी वापस आओ। लेकिन बेटा सिद्रा,
सिद्रा कहाँ हो तुम? हसन, हसन यहाँ हूँ मैं। हसन, सिद्रा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? और किसने बांधा हुआ तुम्हें? बताओ मुझे सिद्रा। हसन, हसन वो कौन हो तुम लोग? और सिद्रा को क्यों पकड़ा हुआ है? क्यों अगवा किया इसे? कोई किसी को क्यों अगवा करता है? तूले मियां, जाहिर है अपना मकसद पूरा करने के लिए। मकसद? कैसा मकसद? अरे बता भी देंगे, इतनी भी जल्दी क्या है? हसन, हसन, हसन प्लीज मुझे बचा लो। हसन के लिए मुझे पकड़ के बैठो। छोड़ो मुझे। आवाज निकली ना, सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में डाल दूंगा, समझे तुम? चुप। अच्छा सुनो सुनो, छोड़ो। सिद्रा को जाने दो, तुम्हें जो चाहिए, जो लेना है मुझसे ले लो, प्लीज। जी। पकड़ो इसे, पकड़ो। अभी मैं तेरी बोलती बंद कर दूँगा। नहीं मारो उसे। चुप। छोड़ दो। कहाँ चला गया हसन? ऐन निकाह के वक्त सब लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। किसी ने फोन किया उसे? राफिया बहनों से कॉल कर रही है, वो अटेंड नहीं कर रहा। अल्लाह सब खैर करे। ऐन निकाह के वक्त किसी का फोन आया और वो चला गया। कम से कम किसी को बता के तो जाता किस काम से जा रहा है। अजीब सी बात है, बगैर बताए चला गया, किसी को साथ ही ले जाता। तुम्हारी कोई बात हुई इससे? उसने बताया कि कहाँ है वो, कहाँ गया है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बता के तो जाना चाहिए था ना उसे, ये किसी को साथ ले जाता। क्या हुआ? भाई ने फोन नहीं उठाया? नहीं, फोन नहीं उठा रहा वो, समझ नहीं आ रही। फोन तो उठाना चाहिए उसे। अच्छा परेशान ना हो, आ जाएंगे थोड़ी देर में। समझ नहीं आ रही आखिर बचा क्या है। कुछ नहीं, मुझे लगता है कि राशिद भाई के पास है। मोबाइल दे अपना, निकालना। फोन का क्या करोगे? मैं नहीं करूंगा, जो करोगे तुम करोगे। चल फोन मिला और गुड़िया से शादी से इनकार कर दे। चल जाना। मैं तुम लोगों की बात नहीं मानूंगा, हरगिज नहीं मानूंगा। एक निहत्ती लड़की को तुम लोगों ने अगवा किया है। बुजदिल कहेंगे? बुजदिल मैं नहीं, तुम हो। और अभी तुम्हें थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा कि कौन बुजदिल है और कौन नहीं। चल फोन पकड़ ना। अबे पकड़, वरना इस सारी गोलियां ना इसके अंदर डाल दूंगा। पकड़ फोन। बात हुई आपकी? नहीं राशिद भाई, फोन नहीं उठा रहा वो। हसन का फोन। हेलो। हाँ हसन, अरे भाई कहाँ हो तुम? अंकल मैं गुड़िया से शादी नहीं कर सकता, अम्मी के प्रेशर की वजह से मैंने हाँ की थी, लेकिन अब मैंने फैसला चेंज कर लिया। ये क्या मजाक है? सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, ऐन निकाह के वक्त तुम उठ कर चले गए और
क्या बात क्या है अंकल? मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, मैं ये शादी नहीं कर सकता। सुन क्या हुआ राशिद भाई? राशिद भाई क्या कहा है आसान ने? हसान क्या कह रहा था आपको फोन पे? राशिद भाई मैं पूछ रही हूँ कि हसान ने क्या कहा है आपसे? शादी से इनकार कर दिया। क्या हमें थोड़ी देर के लिए गुड़िया को अंदर ले जाना चाहिए। नहीं नहीं पिंकी बाबा को बोलो हसान आ जाएगा, अभी हसान आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? आओ तुम ऐसे करो, आसान आ जाएगा अभी, वो आ जाएगा, तुम आओ। काम हो गया है, अब क्या करना है? ओके गुड़िया, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं हसान के बारे में बहुत बुरा भला बोलूं, लेकिन मैं जानती हूँ उसके बारे में बुरा बोल के तुम्हारा दिल हल्का नहीं होगा, तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा इस चीज से। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तुम तकलीफ में हो, दिल तो चाहता है तुम्हारा सीना खोल के सारी तकलीफ लेके अपना लूं, लेकिन हमारे ना बचपन से हमारे साथ अजीब वाकयात होते रहते हैं, और जितना मैं चाहती हूँ कि तुम इन चीजों से प्रोटेक्ट करो, नहीं प्रोटेक्ट कर पाती हूँ। लेकिन एक चीज मैं जरूर जानती हूँ, तुम कभी अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास हमेशा मैं मौजूद हूँ,
मैं हमेशा तुम्हें सहारा दूंगी। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि जिंदगी में और कुछ होगा नहीं और परेशानियां नहीं पहुंचेंगी तुम्हारी तरफ, लेकिन अकेली नहीं झेलनी होगी तुम्हें सारी परेशानियां, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं हसन को अपने सामने बिठा कर उससे पूछूं कि वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता। मुझे और किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ उससे पूछना चाहती हूँ क्यों नहीं कर सकता वो मुझसे शादी। तुम्हारे साथ इश्क ने कहीं का नहीं छोड़ा गालिब, वरना आदमी थे तुम भी काम के। हाथ खोल इसके, घर छोड़ के आना है इसे। कुछ बोलेगी तो नहीं? बताएगी तो खुद फंसेगी। चल हाथ खोलो। छोड़ो जाओ, चिल्लाओ नहीं। क्या किया तुम लोगों ने? हसन को मार डाला तुम लोगों ने? क्यों किया तुम लोग ऐसा? क्यों किया तुम लोग ने? आओ इसे। छोड़ दो मुझे। क्यों किया तुम लोग ने? हसन मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया उसने, क्या गलत किया हमने? क्यों मेरी इज्जत का तमाशा बनाया उसने? अगर नहीं करना था तो पहले ही बोल देता। क्या जवाब दूंगा मैं सबको? क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी बेटी को? चाहिए यहां से। इज्जत अफजाई का भाव पहुंच चुके। कैसी बातें कर रही हैं आप? इस मुश्किल वक्त में मैं इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता हूँ? गुड़िया गुड़िया की हालत देखी आपने। अरे बेटा यही तो वक्त है फैसला करने का, लोग कैसी बातें बना ले। मेरी तो हिम्मत नहीं थी तुमसे बात करने की, लेकिन एहसन ने मुझे हिम्मत दिलाई। मेरी मानो तो गुड़िया का और एहसन का निकाह कर दो, जिसकी शादी टूट जाए उस लड़की की हैसियत बिल्कुल बेवा औरत की तरह होगी। उसको अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलते। हसन की दफा में तो तुमने गुड़िया की मर्जी देखी थी, इस दफा गुड़िया के सामने मेरी मर्जी रखती।
आसान के घर वाले भी जा चुके हैं, सोच लो, कुछ फैसला कर लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मामू, मैं अपनी तमाम बुरी आदतें तर्क कर चुका हूँ, गुड़िया को बहुत खुश रखूंगा, उसका बहुत ख्याल रखूंगा, जॉब भी कर सकती है शादी के बाद, पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकती है, बाकी आपकी मर्जी। हाँ सिद्रक, कहाँ हो तुम? जी वो मैं घर पे, मेरा मतलब है मैं दोस्त की तरफ आई हुई हूँ। लेकिन तुम तो गुड़िया के साथ पार्लर गई थी और अब तुम कह रही हो तुम अपनी दोस्त की तरफ जा रही हो। वो मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी तो मैं दोस्त की तरफ आ गई हूँ। मेरी फरखंदा से बात करा। नहीं वो मेरे साथ है, कार ड्राइव कर रही है तो वो बात नहीं कर सकती ना, मुझे घर छोड़ रही है वो। आप आ जाए फिर हम आराम से बात करते हैं ना। अच्छा ठीक है, तुम घर पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। हाँ आप आए फिर बात होती है हमारी, ठीक है। क्या हुआ, क्या कह रही है सिद्रा? अम्मी, सिद्रा की तबीयत खराब हो गई थी तो वो घर जा रही। घर क्यों चली गई, यहाँ आ जाती, यहाँ हम सब है। अम्मी उसकी तबीयत काफी खराब थी, पहले अपनी दोस्त की तरफ गई, अब थोड़ा बेहतर फील कर रही है इसलिए घर जा रही। मेरी तो समझ से बाहर है इस लड़की की सारी हरकतें। अब तुम बताओ कि राशिद भाई को इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? आप ठीक कह रही, मैं चली जाती। हसान ने जो किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आपका यहाँ पे रहना ज्यादा जरूरी है, उसका ख्याल रखना और मुझे बता देना है। क्या करती है ये लड़की, घर के सारे दरवाजे खोले। सिद्रा किधर हो तुम? सिद्रा आ गई हो घर? ये क्या हालत बना रखी है, तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है तुम रोती रही हो। नहीं अचानक से मेरी तबीयत खराब, शायद बुखार हो गया है मुझे। लेकिन तुम्हारा जिस्म तो ठंडा पड़ा है। शायद बीपी लो हो गया होगा ना। सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं नहीं मैं आपसे क्या छुपाऊंगी, बस अचानक से पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई, सर में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया है मेरे। आप बताए ना
कैसी रही शादी? गुड़िया खुश थी ना? कैसी शादी? गुड़िया की जिंदगी में तो जैसे कयामत आ गई। ऐन निकाह के वक्त हसन को एक कॉल आई और वो शादी छोड़ के चला गया, और उसके बाद कॉल करके उसने शादी से इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, खुद को किस बात की सजा दे रही हो गुड़िया? मुझे कुछ नहीं खाना, आप लोग बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। गुड़िया मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। मुझे पूरा यकीन, अल्लाह के हर काम में मसलियत होता, वही है जो अल्लाह चाहता। अब दोनों बाहर जाओ, मुझे बुढ़िया से बात करनी चाहिए। मैं बाहर ही हूँ।